धीरे धीरे आप देखेंगे तो ऑपरेशन बढ़ता जा रहा था हरिलाल का, और हरिलाल की जो मेंटालिटी थी वो गांधी जी की मेंटालिटी से अलग थी। अक्सर ये सवाल उठता है, जो यंग पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि अपने बच्चों को किस तरीके से तालीम दी जाए, किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग की जाए ताकि उनमें बेटर वैल्यूज इनकलकेट हो, अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, अच्छे संस्कार हो और भी तमाम चीजें जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। यहां पर एक किस्सा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। किस्सा है हरिलाल गांधी का, जो कि गांधी जी के सबसे बड़े बेटे थे। अब दिक्कत गांधी जी के साथ ये आई कि हरिलाल जो थे वो पढ़ना चाहते थे बाहर जाके, वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन ले या फिर एक प्रॉपर एजुकेशन लेने के लिए वो बाहर जाना चाहते थे। पिताजी बोलते हैं जो आश्रम में पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ो, बाहर की जो एजुकेशन है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वो बर्बाद कर देती है इंसान को। एक्सेप्टेड। ऑपरेशन चालू हो गया। फिर बाहरी चीजें जो है, चाहे कपड़ा हो या फिर खाने की कोई चीज हो, जो वेस्टर्न है या फिर जो अंग्रेजों ने बनाई है, वो बंद करवा दी गई। इसकी वजह से उन चीजों को चोरी चुपके से लाने लगे आश्रम के अंदर, तो इससे क्या हुआ, झूठ बोलना शुरू हो गया, चोरी करना शुरू हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी सरकार करती है जब किसी पर्टिकुलर चीज पे हम बैन लगा देते हैं। जैसे बिहार को ड्राई स्टेट बनाया तो स्मगलिंग चालू हो गई शराब की। इस तरीके के बहुत से एग्जांपल्स हैं, आपको पता है। तो कहानी ऐसी थी कि धीरे धीरे आप देखेंगे तो ऑपरेशन बढ़ता जा रहा था हरिलाल का, और हरिलाल की जो मेंटालिटी थी वो गांधी जी की मेंटालिटी से अलग थी। दिक्कत गांधी जी के साथ ये हुई कि गांधी जी ने अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, वो उन्होंने हरिलाल पे थोपना शुरू कर दिया। अक्सर माता पिता ये चीजें करते हैं, अक्सर ये बड़ी गलतियां होती है कि आप एज अ पेरेंट अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, अपने लाइफ के डिसिप्लिन, आदर्श, प्रिंसिपल्स, वो बच्चे के ऊपर आप थोपने लगते हैं। वो बेचारा अपनी डेफिनेशन बना ही नहीं पाता। हरिलाल बहुत परेशान हो गए थे गांधी जी से, वो दूर हो जाते हैं, आश्रम छोड़ के चले जाते हैं। थोड़े दिन में पता चलता है कि गांधी जी, आपका जो बेटा है वो अपना रिलीजन छोड़ चुका है और अब वो एक मुस्लिम हो गया है, उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। गांधी जी को बड़ा खराब लगा है सुनके, थोड़ी देर के लिए वो सबके में आ गए। जब हरिलाल ये बात सुनता है तो ये कहते हैं कि अगर गांधी जी इस बारे में सोच रहे थे और उनको इस बात से दुख हुआ, तो फिर जब वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक है, हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, और अगर ये सही में वो मानते तो उनको वो बात बुरी नहीं लगती कि मैं मुसलमान हो गया। लेकिन अगर उनको वो बात बुरी लग रही है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं अंदर से आज भी वो हिंदू है। सुपरफिशियली वो दिखाते हैं कि हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, और अगर फर्क नहीं होता तो आपको बुरा क्यों लग रहा है। आप देखिए अंत में जब गांधी जी को गोली मारी गई थी तो उनके मुंह से हे राम निकला था, क्योंकि मौत के सामने झूठ नहीं होता है। आप ये देखिए कि जब बात करी जाती है गीता की, तो गीता की उन्हीं बातों पे तारीफ करी जाती थी कुरान की, या फिर गीता और कुरान में वही एक कनेक्शन जोड़ा जाता था, जो बातें गीता की और कुरान की सिमिलर है। पर ऐसी कोई कुरान की बात जो कि गीता में नहीं है उसके बारे में कोई बात नहीं होती थी। आप राजा राम की जगह सुल्तान राम कहते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर आपने कभी इस तरीके का शब्द, कभी आपने किसी मौलवी को पंडित नहीं कहा। तो इस तरीके की हिपोक्रेसी रही जो कि जनरल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में रिफ्लेक्ट होती थी। एक पिक्चर है अक्षय खन्ना की, वो आप देखेंगे, माय फादर गांधी, उसमें आपको समझ में आएगा कि हरिलाल के ऊपर किस तरीके से ऑपरेशन हो रहे थे। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था जिसकी वजह से वो बन गया जो वो है। यहां पर बात याद आती है मुझे खलील गिब्राल की। खलील गिब्राल की एक किताब है द प्रॉफिट। उस द प्रॉफिट में अलग अलग चैप्टर्स हैं अलग अलग चीजों के बारे में, कहीं लाइफ के बारे में है, कहीं ट्रैवल के बारे में, कहीं चाइल्ड के बारे में। तो वहीं चाइल्ड के बारे में जो बात है, एक औरत अपने बच्चे को लिए रहती है और उसके ऊपर चर्चा होती है। तो खलील गिब्राल कहते हैं आपने बच्चे को ना तो आपको अपनी ओपिनियंस देनी है, ना आपको अपने प्रिंसिपल्स, ना आपको अपने ड्रीम्स, ना आपको अपने एस्पिरेशंस, ना आपको अपना थॉट प्रोसेस, कुछ नहीं देना है। वो आपसे पैदा हुआ है लेकिन उसका जो सोल है वो अलग है। आपको सिर्फ अपने बच्चे को प्रेम देना है, बाकी सब वो खुद कर लेगा। उसको अपनी डेफिनेशंस बनाने दे लाइफ की, उसको अपने प्रिंसिपल्स, एस्पिरेशंस, गोल्स, जो भी उसको करना है उसको करने दे। एक खाली स्लेट की तरह रखें, माँ बाप के तौर पे आप सिर्फ उसको प्रेम दे, बाकी सब वो खुद कर लेगा। हम बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि एक बो एंड एरो होता है, जैसा एक तीर और कमान होता है। कमान माँ बाप है और तीर वो बच्चा है। कमान वही रह जाने वाला है, तीर जो है वो आगे जाके लक्ष्य को भेदेगा। और बिल्कुल वैसा ही बच्चा होता है, हमें कोशिश करनी है कि हमारा जो तीर है वो सही रहे, वो सटीक हो। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, और वही माँ बाप का प्रेम हो सकता है। और अगर अपने विचार थोपे जाते हैं, अपनी आइडियोलॉजी थोपी जाती है, अपने जीने के तरीके थोपे जाते हैं, तो हरिलाल गांधी जैसे लोग बनते हैं।